ज्योग्राफी के हम लोग क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग लास्ट जो लेक्चर था उसमें 111 111 क्वेश्चन किए थे, और वो तो अर्थ के एज ए होल सोलर सिस्टम पे थे, कॉन्सेप्ट पे। अभी सोलर सिस्टम वो प्लैनेट्स वाले पार्ट पे अटके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 भी मुझे वही लग रहा है, थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर लेता हूँ। हाँ, इतना चलेगा, इतना विजिबल हो जाएगा। ठीक है, 112th क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मल्टीपल ऑप्शन। लूनर इक्लिप्स तब होता है जब मून तो रिफ्लेक्टेड लाइट से दिखाई देता है सन की लाइट से, तो सन की लाइट मून पे पहुंच ना पाए, तो अर्थ को सन और मून के बीच में आना पड़ेगा। तो लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन सन एंड मून। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब सन की लाइट अर्थ पे ना आ पाए, तो मून को सन और अर्थ के बीच में आना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट, सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन मून कम्स डायरेक्टली बिटवीन सन एंड अर्थ। ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट और टू दोनों सही है। अब और आते हैं। थर्ड, लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द सन कम्स डायरेक्टली बिटवीन अर्थ एंड मून। लूनर इक्लिप्स अगर सन अर्थ और मून के बीच में आ जाएगा, तो सन की तो लाइट मून पे पड़ेगी बट रिफ्लेक्टेड होके अर्थ पे नहीं आ पाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही जैसा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि लूनर इक्लिप्स के लिए, अर्थ को सन और मून के बीच में आना पड़ेगा। इसमें तो लिखा है कि सन अर्थ और मून के बीच में आ जाए। नहीं, सन अगर अर्थ और मून के बीच में आ जाएगा तो हो सकता है कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट आ जाए अर्थ तक। नहीं, थर्ड नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही होना चाहिए, 1 और 2 वाला। फोर्थ देख लेते हैं, सोलर इक्लिप्स अर्थ जब आ जाए सन और मून के बीच में, सूर्य इक्लिप्स के लिए मून को आना पड़ेगा। नहीं, तो सी हो गया, 1 और 2। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास। अब मुझे लग रहा है यहां से हम लोग सोलर सिस्टम से निकल के प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पे जा रहे हैं, और प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी स्टार्ट होती है सुपर कॉन्टिनेंट पेनेजिया और सुपर ओशन पेंथालसा से। और वो जो सुपर कॉन्टिनेंट पेनेजिया टूटा था, तो दो पार्ट में टूटा था, ऊपर वाला लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया में आते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप का ऊपर वाला पार्ट यूरेशिया, मतलब रशिया वाला भी आ जाता है। तो लॉरेशिया में आता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और रशिया वाला पार्ट, साइबेरिया वाला पार्ट। गोंडवाना लैंड में आता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियंस और साउथ ईस्ट एशिया भी। तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था वो ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना लैंड। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिजिनली पार्ट था ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना लैंड। पैलियोजियोग्राफी में गोंडवाना, ओरिजिनली गोंडवाना लैंड लैंड इज द नेम गिवन टू मोर सदरली ऑफ टू सुपर कॉन्टिनेंट्स विच आर पार्ट ऑफ द पेनेजिया दैट एग्जिस्टेड 510 to 180 million ईयर एगो। तो गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड तो ऊपर वाले लॉरेशिया का कोई पार्ट था। अंगारा रशिया में एक रिवर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट? अर्थ की क्रस्ट में आयरन और एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन में इन्होंने पूछा डोमिनेंट एलिमेंट, तो मुझे तो जहां तक लग रहा था आयरन होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल जो एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट में वो आयरन है। इनफैक्ट जो सॉइल होती है वो आयरन एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, बट इन्होंने किस बेसिस पे आंसर एल्यूमिनियम दिया मुझे नहीं पता। अभी परसेंटेज मास दिया है, परसेंटेज वॉल्यूम दिया है, किस बेसिस पे दिया है, मतलब कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं ना डोमिनेंट एलिमेंट बताने के। बट ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट, इसका आंसर ये एल्यूमिनियम दे रहे हैं। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जब तक कंफर्म नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो मैं गूगल में डालने जा रहा हूं मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ऑक्सीजन आ रहा है भैया। चलो अब अर्थ की क्रस्ट डाल देते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। एल्यूमिनियम एटलीस्ट आयरन से ज्यादा ही है, इसका मतलब है ये बुक सही बोल रही थी। मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन।
आई थिंक इट्स सेटल्ड फॉर वंस एंड ऑल। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ये है ऑर्डर। तो ऑक्सीजन अर्थ की क्रस्ट में है तो सब सिलिकेट, तो सिलिका और ऑक्सीजन भी होगा, बट ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, आयरन और अभी मैंने शायद देखा था सिलिकॉन ही था। एल्युमिनियम अर्थ की क्रस्ट में, गलत तो नहीं, आयरन तो कम ही है उनसे। द माउथ ऑफ ए वॉल्केनो इज नोन एज, जहां से लावा निकलता है, ऑब्वियसली ग्लेशियर तो नहीं होगा, पाइप भी नहीं होगा, कोन और क्रेटर, कोन तो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वॉल्केनो का, ग्लेशियर वॉल्केनो का जहां से माउथ, जहां से लावा निकलता है उसको क्रेटर बोलते हैं। अगर एक इमेज देख ली जाए क्रेटर की तो कंफर्म हो जाएगा, क्रेटर 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 उस गड्ढे को बोल रहे हैं जो वोल्केनो का, जहां से लावा निकलता है, क्रेटर, ये होता है क्रेटर, सब क्रेटर है, दीज आर क्रेटर्स। क्रेटर्स वो होते हैं जहां से वोल्केनो का लावा निकलता है, गड्ढा। एक क्रेटर लेक भी है ना महाराष्ट्र में, लूनर क्रेटर, तो क्रेटर उस गड्ढे को बोलते हैं जहां से वोल्केनो का लावा निकलता है। सही, आगे आते हैं। गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, तो अर्थ की जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर लिथोस्फेयर है, उसके नीचे एस्थेनोस्फेयर है। मतलब अगर लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर वाली टर्मिनोलॉजी पे ना है तो क्रस्ट, मेंटल और कोर है। क्रस्ट, मेंटल और कोर ये डेंसिटी के बेसिस पे है। क्रस्ट का और मेंटल का जो अपर हिस्सा है वो लिथोस्फेयर है, और मेंटल में एक लिक्विड वाला जो पार्ट है वो एस्थेनोस्फेयर है। तो लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है, और क्रस्ट, मेंटल और कोर भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है। क्रस्ट से मेंटल में जाने पर डेंसिटी का डिफरेंस होता है, तो वेव्स को जब भी डेंसिटी का डिफरेंस मिलेगा तो उनकी वेलोसिटी में सडन चेंज आएगा, चाहे वो पी वेव्स हो, प्राइमरी वेव्स हो, चाहे सेकेंडरी वेव्स हो, एस वेव्स हो। पी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है और एस वेव ट्रांसवर्स होती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी है और मेंटल और कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी है। एक गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है और एक मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी है। अब एक गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आई थिंक और मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी आई थिंक देख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे याद है लेकिन कंफर्म कर लेने में क्या है। क्रस्ट, मेंटल, कोर तो मुझे पता ही है, ऊपर ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मोआइनो भी पता है, ये भी पता है कि इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल डिसकंटिन्यूटीज यहाँ मिलेंगी मुझे लग रहा है। लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर में आने में आप मेंटल में आ चुके हैं, फिर एक ट्रांजिशन जोन है, फिर गटेनबर्ग मेंटल से कोर के बीच में गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, और मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी कहाँ गई? मोहरो विशेष, मोहर वो विशेष, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। डिसकंटिन्यूटीज नहीं दिख रही है यार, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कोर, मेंटल, मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट
क्रश्ड से मेंटल के बीच में मोरो विशेष है। फिर जो अगली वाली होगी मेंटल और कोर के बीच में होगी। मिल गए, ये है कट। क्रश से मेंटल, अपर मेंटल के बीच में मोहो डिस्कंटिटी है। एस्थेनोस्फेयर मेंटल के कुछ नीचे तक जाता है। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है। ये आई थिंक हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर, इसको कहीं सेव कर लेना चाहिए, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। जियोग्राफी में गए हम, फिजिकल जियोग्राफी कहाँ पे होंगी मेरी सारी स्टडी मटेरियल की सीट्स? आई थिंक स्टडी मटेरियल की सीट्स मुझे मिलेंगी जियोग्राफी के नोट्स में, टॉपिक वाइज फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी में, और जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थ का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हो सकता है मैंने बनाया हो। हाँ है, तो ऊपर मोरो विशेष है, फिर गटनबर्ग है, अच्छे से नहीं बनाया था, एक फिगर और ऐड करना बनता है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, सेफ। आ जाते हैं आगे, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन था गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहाँ होती है? तो क्रस्ट मेंटल कोर, मेंटल से कोर के बीच में, सी लोअर मेंटल आउटर कोर, गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इराज द अर्थ वॉज नियरली कवर्ड विद स्नो एंड आइस? आइस एज मूवी देखी है मैंने, और उसमें मैंने देखा था सब कुछ आइस आइस था। वो कौन सी एरा थी? क्या क्रिटेशियस थी? क्या वो प्लायोसीन थी? क्या वो टर्शियरी एरा थी? कि क्या वो प्लाइस्टोसीन एरा थी? अगर हम अर्थ की एरास पे जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई अर्थ की हिस्ट्री में अलग अलग इराज में अलग अलग चीजें हुई हैं। देखिए सबसे पहले आर्कियन इरा थी, रॉक रॉक रॉक, प्रोटोजोइक इरा में थोड़े से प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ आए होंगे, कैम्बियन इरा, आर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिलवेनियन, परविन, ये सब पैलियोजोइक इराज हैं, इनमें कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी। मीसोजोइक इरा जब आई तो उसमें ट्रायसिक, जुरासिक, जुरासिक पार्क वाला, डायनासोर वाले जो है वो मीसोजोइक इरा का पार्ट है, जुरासिक पार्क, क्रिटेशियस पीरियड। फिर जो सेनोजोइक इरा है उसमें पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लाइस्टोसीन, होलोसीन, और होलोसीन, होलोसीन पीरियड, होलोसीन पीरियड में ह्यूमन काइंड आ चुका है। तो अगर हम लोग बात करें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एराज द अर्थ वॉज नियरली कवर्ड विद स्नो एंड आइस, तो वो प्लाइस्टोसीन है। प्लाइस्टोसीन इसमें कहाँ है? अच्छा, होलोसीन से जस्ट पहले प्लाइस्टोसीन है। यार ये भी बहुत बढ़िया चीज लिखी है, इसको भी हमें सेव कर लेना चाहिए, जियोमॉर्फोलॉजी पे जाना चाहिए, इसमें हमें अर्थ की जियोग्राफिक हिस्ट्री को सेव कर लेने का बनता है। अर्थ की जो अभी जो चल रहा है, मतलब एरा होलोसीन, उससे जस्ट पहले जो एरा थी वो प्लाइस्टोसीन थी, और प्लाइस्टोसीन जो थी उसमें आइस एज था, ये है मेन कहानी। प्लाइस्टोसीन जो था वो आइस एज था, आइस एज प्लाइस्टोसीन, प्लाइस्टोसीन। चल बढ़िया, वापस आते हैं। तो क्या लिखा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इराज अर्थ वॉज नियरली कवर्ड विद स्नो एंड आइस? प्लाइस्टोसीन इरा, अर्थ वॉज नियरली कवर्ड विद स्नो एंड आइस इन प्लाइस्टोसीन इरा। प्लाइस्टोसीन इज द जियोलॉजिकल इपोक विच लास्टेड फ्रॉम 2.5 लाख ईयर्स टू 11,700 ईयर्स अगो, मतलब 10,000 11,000 साल पहले। 4,000 5,000 BC से तो सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। स्पैनिंग द वर्ल्ड्स रिसेंट पीरियड ऑफ रिपीटेड ग्लेशियर्स, प्लाइस्टोसीन पीरियड में आइस एज थी।
लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन क्रस्ट मेंटल और कोर में सबसे ज्यादा बड़ा तो मेरे हिसाब से मेंटल ही है अगर हम कंपेयर करें सबकी थिकनेस को कंपेयर करें। क्रस्ट तो देखिए बहुत थिन होती है आई थिंक 10-11 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती होगी। फिर अपर मेंटल स्टार्ट होता है इनर मेंटल स्टार्ट होता है तो ये करीब चलता है 2-2.5 हज़ार किलोमीटर तक। क्रस्ट जो है वो मैक्सिमम 0 से 100 है मेंटल 100 से 2900 है अब तो मान लीजिए करीब 3 हज़ार किलोमीटर है तो वही है। और अर्थ की जो रेडियस है वो है कितनी याद के लिए 6400 किलोमीटर है तो 3000 से 6400 तो मतलब करीब 3400 किलोमीटर कोर है बट वो तो कम हो गया ना जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाओगे तो रेडियस वो स्फेयर का जो रेडियस है कम होगा तो वॉल्यूम भी तो कम होगा तो जो सबसे बड़ा होगा मेरे हिसाब से मेंटल होगा। अर्थ सबसे ज्यादा मेंटल में है अर्थ का लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड मास मेंटल में होना भी चाहिए लॉजिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से क्या रिलेटेड नहीं है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पोल वेंडरिंग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो शुरुआत में नहीं प्रपोज की गई थी शुरुआत में जो थ्योरी प्रपोज की गई थी अगर हम आए अपने जियो मॉर्फोलॉजी के नोट्स में तो सबसे पहले तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी आई थी नहीं सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आई थी फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी आई थी फिर प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आई थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आई थी ये आई थी अल्फ्रेड वेगनर की 1912 में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी हेस की थी 1961 में। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी मैकेंजी पार्कर मॉर्गन ये आई थी 1967 में। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग फिर प्लेट टेक्टोनिक्स ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन्हीं सबका अमलगमेशन टाइप है तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो समझ में आता ही है इससे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी है। पोल वेंडरिंग भी समझ में आता है कि पोल क्यों चेंज होते रहे हैं क्योंकि आपका ये नीचे टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज की वजह से पोल चलते रहे। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का इससे कोरिलेशन नहीं है तो मेरे हिसाब से सी एलो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट तो वो हो गया ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की प्लेट्स एक दूसरे से पैरेलल स्लिप होते हुए चलती हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बढ़ लगे पोल वेंडरिंग रिलेटेड नहीं है। पोल वेंडरिंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सॉरी मैं यहाँ पे गड़बड़ निकल गया। Which one of the following geological periods was frequented by increased volcanic activities? फिर से भाई देखते हैं अपनी वॉल्केनिक एक्टिविटीज सबसे ज्यादा कब होती थी अर्थ की हिस्ट्री में। कौन कौन से ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड्स वॉज फ्रिक्वेंटेड बाई इंक्रीज वॉल्केनिक एक्टिविटीज क्रिटेसियस आर्डोवीसियन जुरासिक मायोसीन। ठीक है क्रिटेसियस क्रिटेसियस कहाँ है क्रिटेसियस तो मीजोजोइक एरा का पार्ट है। क्रिटेसियस मीजोजोइक एरा का पार्ट है अभी ह्यूमंस नहीं आए हैं इसमें क्रिटेसियस और कौन सा है आर्डोवीसियन 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 तो बहुत पुराना बात हो गया भाई। आर्डोवीसियन तो पहले जो हम पहुंच गए ह्यूमन तो दूर की बात है एनिमल्स भी बहुत ही मतलब प्राइमेट फॉर्म में है। आर्डोवीसियन आर्डोवीसियन जुरासिक और मायोसीन जुरासिक पीरियड तो मीसोजोइक का पार्ट है मायोसीन रिसेंट है। तो अगर टाइमलाइन में जाए तो मायोसीन रिसेंट है जुरासिक उससे पहले का है और आर्डोवीसियन तो और पुराना है और कौन सा था क्रिटेशियस 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 20 का है जुरासिक से थोड़ा सा पहले का है। तो एक यहाँ पे देखिए एक चीज दिखाई दे रही है बिग बिग एक्सटिंक्शन ये बिग एक्सटेंशन जो है वो हुआ था क्रिटेशियस और पैलोसीन के बाद। तो एक्सटेंशन किसके वजह से होगा मुझे लग रहा अर्थक्वेक की वजह अर्थक्वेक या फिर
बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई होंगी तभी ये बिग एक्सटेंशन हुआ होगा। और ये बिग एक्सटेंशन देखिए जुरासिक पीरियड के बाद का है, मतलब डायनासोर इसी में साफ हुए होंगे, तो ये बिग एक्सटेंशन क्रिटेसस के आसपास लग रहा है मुझको। तो यस बिल्कुल सही जवाब है, क्रिटेसस पीरियड था जब आपका बिग एक्सटेंशन हुआ था, और ये बहुत इंक्रीज्ड वॉल्केनिक एक्टिविटीज थी। तो मुझे ये स्टोर कर लेना चाहिए, इंक्रीज्ड वॉल्केनिक एक्टिविटीज खूब हुई, खूब जो है ज्वालामुखी फटे, और ज्वालामुखियों के फटने से डायनासोर बेचारे और जो अदर लार्ज एनिमल्स थे जैसे बड़े बड़े एलिफेंट जो आइस एज मूवी में देखने को मिलते हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग एक्सटिंक्शन। और ये सब हुआ था क्रेटेसस पीरियड में, मीसोजोई के रा में। उसके बाद फिर से नई इरा स्टार्ट हुई सेनोजोई के रा। चलो मान ली, एपिसेंटर इज कंसर्न विद, एपिसेंटर मेरे हिसाब से अर्थक्वेक में वो पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, ये बिल्कुल सही है एपिसेंटर। व्हाट डज द अर्थ टर्म सियाल रिफर्स टू, सियाल और सीमा ये नाम है, सियाल तो है सिल्का और एल्युमिनियम, सीमा नाम होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सियाल अर्थ की सरफेस लेयर में मतलब कहाँ पे होते हैं, तो सियाल जो है वो अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है, सिल्का और एल्युमिनियम अपर लेयर में तो मिलते हैं, नीचे की जो लेयर वो सीमा होती है। इनफैक्ट ऐसा भी कुछ है कि जो अपर जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है कि वो ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट थोड़ी सी सीमा होती है वो मैग्नीशियम वाली होती है, डेंसर होती है, एल्युमिनियम हल्का होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसीलिए हल्की होती है क्योंकि उनमें एल्युमिनियम होता है, तो सियाल लेयर होती है। अब इसके बारे में अगर हमको कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, अर्थ के एक्सोजेनेटिक्स में कुछ मिल जाए सियाल सीमा, इंडोजेनेटिक में कुछ मिल जाए, देखते हैं भाई। ये प्लेट्स हैं 12 मेजर प्लेट, 7 माइनर प्लेट, रिंग ऑफ फायर की एक्टिविटीज हैं, जियोसिंक्लाइन की थ्योरी है, पनेजिया पेंथालसा माउंटेन बिल्डिंग्स हैं, सियाल सीमा के बारे में आपने कहीं कुछ, यहाँ हो सकता है पी वे वेस्ट वे, सियाल सीमा, सियाल सीमा पे थोड़ी सी मैं और देखना चाहता हूँ। राजा को हटा देता हूँ, सियालिन सीमा देखता हूँ, एक नीफे भी तो होता है, कुछ कुछ याद आ रहा है। देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मैंने सही बोला था, सियाल होती है, जो ओशियानिक क्रस्ट होती है वो सीमा, सीमा नीचे है, ओशियानिक क्रस्ट का भी पार्ट है, सियाल सीमा मेंटल। सियाल सिल्का एंड एल्युमिनियम, सीमा सिल्का एंड मैग्नीशियम, क्रस्ट मेंटल से सेपरेट मोहो, मोहरो विशेष डिस्कंटिन्यूटी, जब भी वोल्केनिक आइलैंड निकलेगा उसे सीमा लेकर निकलेगा, मैं सिल्का और मैग्नीशियम।
मिल गया, क्रस्ट, सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। ये ठीक है, मतलब मोटा मोटा समझने के लिए नीफे सबसे अंदर का है, यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ, हम देख भी लेते हैं। क्रस्ट, फिर सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे, ये ऑर्डर है। क्रस्ट, फिर सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। क्वेश्चन से वापस आते हैं। वॉट डज द टर्म सियाल रिफर्स टू? अ सरफेस लेयर, बिल्कुल सही है, क्रस्ट में ही होता है। कोर पार्ट, नीफे होता है। ओशन की बॉटम में ग्रास, सीमा होगी। रॉक विच इज रिच इन कैल्शियम, नहीं, नीफे, नीफे कोर है। नीफे इज द इनर मोस्ट, नीफे का मतलब होगा निकिल प्लस आयरन, निकिल और एफी आयरन को। इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर, नन ऑफ, इनर मोस्ट लेयर, नीफे होगी इनर मोस्ट लेयर, निकिल और आयरन। आइसो सेजम, आइसो कौन सी लाइंस लिखी हैं? आइसो सेस्मल, सेस्मिक का मतलब, सेस्मिक एक्टिविटी का मतलब अर्थक्वेक एक्टिविटी होता है, आइसो का मतलब बराबर होता है, तो आइसो सेस्मल वो पॉइंट्स होंगे जहां पे बराबर अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है। और आइसो सेस्मल लाइन ज्वाइन प्लेसेस एक्सपीरियंसिंग नो अर्थक्वेक, सेम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, बी वाला सही लग रहा है। आइसो सेस्मल लाइन्स एक्चुअली वो कर्व होंगे जहां पे सेम एक्टिविटी ऑफ अर्थक्वेक होगी, इट इज क्लोज कर्व अराउंड द एपिसेंटर। अगर मैं आइसोसेस्मल लाइंस को देखने की कोशिश करूं तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आइसोसेस्मल लाइंस, आइसोसेस्मल लाइंस बनी तो है कुछ कुछ, अभी इनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कर्व्स हैं, लाइंस तो नहीं है, बट ये है कि सिमिलर अर्थक्वेक एक्टिविटीज के पॉइंट्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा इनसे कुछ समझ में आ जाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरियालिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय, कोरियालिस इफेक्ट का मतलब होता है कि जब अर्थ घूमती है तो उसकी चीजों को बाहर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम द सेंटर की डायरेक्शन में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैरी गो राउंड का जब झूला चलता है हाथी घोड़ा पालकी, वो सब बाहर की तरफ भागते हैं, वो कोरियालिस इफेक्ट होता है। तो कोरियालिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय अर्थ रिवोल्यूशन, ऑब्वियसली अर्थ का अपनी एक्सिस पे रिवोल्यूशन है, तो कोरियालिस इफेक्ट अर्थ का सन के अबाउट रोटेशन से तो नहीं है। कोरियोलिस इफेक्ट इज द एपरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ ग्लोबल विंड्स, ओशन करेंट्स दैट मूव फ्रीली अक्रॉस द अर्थ सरफेस। डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन रिवोल्यूशन, अर्थ रिवोल्यूशन, अच्छा अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन और अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग करती है, मतलब रोटेशन। हाँ सही, अर्थ रोटेशन सही है, सही है। रिवोल्यूशन तो सन के अबाउट होता है, रिवोल्यूशन तो रोटेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फॉर्म बेसिस फॉर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर की। देखिए भाई, ये 100% कंफर्म बात है कि जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है वो बनी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर की थी, कि कॉन्टिनेंट्स एक साथ पैनेजिया पैंतालता थे और एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, एक दूसरे में पहले फिट होते थे, वो टूट रहे हैं, टूटे और भागने लगे। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी, वो जो सी रिजेस हैं पूरे अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, ओशन बॉटमिक, ओशन के बॉटम की हमने मैपिंग की, सी रिजेस पाए गए हैं, ट्रंचेस पाए गए हैं और रिजेस के दोनों साइड एक ही टाइप की रॉक मिलती हैं, अर्थक्वेक बोल कोनों का एक पैटर्न है, पैलियोमैग्नेटिस्टी की है। तो हैस एक साइंटिस्ट ज्योग्राफर था, उसने आर्ग्यू किया कि ओशियन के रिजेस पे इरप्शंस हो रहे हैं और ये नई ओशियन की क्रस्ट फॉर्म हो रही है, लावा इसमें आ रहा है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, इसमें लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, ये सब चीजें आ गई, 7 मेजर 12 माइनर प्लेट्स हैं लगातार चल रही हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है। तो क्या था क्वेश्चन? प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फॉर्म द बेसिस? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यस। आइसोस्टेसी,
आइसोस्टेसी का इसमें क्या रोल है? आइसोस्टेसी का, आइसो का मतलब होता है इक्वल, स्टेसी का मतलब होता है बराबर होना। आइसोस्टेसी का इसमें कोई रोल है क्या? देखें आइसोस्टेसी मैंने कहीं कुछ नोट्स बनाए हो तो दिखा सकूं आपको। आइसोस्टेसी का मतलब ये होता है इक्वल स्टैटिक इक्विलिब्रियम टाइप का बनाए रखना। होगा कहीं ना कहीं आइसोस्टेशन। हाउ कम आइसोस्टेसी मिस कर दिया मैंने? आई कॉन्ट बिलीव इट। मिल गया। आइसोस्टेसी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बिटवीन अर्थ लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर such that tectonic plates float at an elevation which depend upon their thickness and density. तो मतलब ये tectonic plates की आप जब concept बना लो तब isostasy concept बनाओ। It is generally accepted that earth is a dynamic system that responds to load. तो होता क्या है? isostasy equilibrium को restore करने वाला process है और ये principle of buoyancy Archimedes से influenced है। तो होता क्या कि अर्थ की जो आइसोस्टेसी टेक्स प्लेस ऑन अर्थ व्हेनेवर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेट इज प्रेजेंट। आइसोस्टेसी को एक्सप्लेन करने के लिए तीन मॉडल हैं, एरी का, प्रेट का, फ्लेक्सुरर मॉडल, हाइस्केन मॉडल भी है। और ये मॉडल बोलता क्या है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे ग्लेशियल आइस है वो मेल्ट हो जाए तो वहां पे अलग टाइप का सिस्टम होगा। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बड़ा करके देखना पड़ेगा भाई है क्या, कहना क्या चाहते हैं आइसोस्टेसी में। हटा देता हूँ थोड़ा सा। हाई टोपोग्राफी रिलेटेड टू सराउंडिंग ड्यू टू थ्री कस्ट फॉर एग्जाम्पल हिमालय एंड तिब्बत, क्या है इसका मतलब भाई? इसको हटाओ यार। देखिए दो कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए मोर मेंटल देन क्रस्ट, नॉर्मल एवरेज डेंसिटी फॉर लिथोस्फीयर। कॉलम बी मोर क्रस्ट सो दैट लोअर एवरेज डेंसिटी फॉर लिथो, जहां डेंसिटी कम होगी वहां पे क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होगी जिससे सेम वेट आए नीचे। देखो पी इज इक्वल टू एच रो जी होता है, जहां डेंसिटी घटेगी वहां हाइट बढ़ जाएगी। तो माउंटेन्स की हाइट अगर ज्यादा है तो वहां पे डेंसिटी कम होगी और वहां पे कम डेंसिटी की जो क्रस्ट की लेयर होगी वो कम डेंसिटी की होगी, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी। और जहां पे सीज हैं वो ज्यादा डेंसिटी के हैं तो वहां पे हाइट कम होगी। अच्छा ये है कहना, समझ गया मैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? कॉन्टिनेंटल थ्योरी है। आइसोस्टेसी का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कोई ज्यादा रिलेटेड नहीं, बट आइसोस्टेसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बाद ही आती है। सी पैलियो मैग्नेटिज्म पुराने मैग्नेटिक रॉक से पता चलता है कि जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका में एक ही टाइप के मैग्नेटिक रॉक्स मिलते हैं, यानी कि वो एक ही प्लेट का पार्ट थे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और पैलियोमैग्नेटिज्म है। पोल वेंडरिंग पहले भी आया था, पोल वेंडरिंग इससे रिलेटेड नहीं है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और पैलियोमैग्नेटिज्म है प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी कि जो आउटर रिजिड लेयर है अर्थ की लिथोस्फीयर, वो कपल ऑफ प्लेट्स हैं, 7 मेजर और 12 माइनर प्लेट्स हैं जो अर्थ की सरफेस में रिलेटिव टू ईच अदर चलती रहती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे लेक पे आइस की स्लैब्स चलती हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स बिलो। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द आउटर क्रस्ट इज 2.8 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या? अर्थ इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाई गटनबर्ग क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाई गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोरोविसिस है भाई, गलत है दूसरा। गटनबर्ग है मेंटल और कोर के बीच में। देर इज सडन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ पी वेव अलोंग द मेंटल कोर बाउंड्री। पी वेव प्राइमरी वेव है, जब अर्थ में कहीं पे भी कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो जो सबसे पहली वेव जनरेट होती है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं होती, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड की तरह।
और वो जो साउंड की तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चल सकती हैं, और जब उनको कोर और मेंटल की बाउंड्री मिलेगी तो डेंसिटी का डिफरेंस मिलेगा। वेव्स की खासियत ये होती है कि जितने डेंसर मीडियम में चलती हैं उनकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, क्रस्ट की ज्यादा है, मेंटल की ज्यादा है, कोर की ज्यादा है, वो देखना पड़ेगा। इनर कोर ऑफ अर्थ मॉल्टन स्टेट पे, ये गलत है। इनर कोर जो है अर्थ की वो सॉलिड है, आउटर कोर मॉल्टन स्टेट है। तो जरा सा मैं डेंसिटी वाला पार्ट कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि तो डेंसिटी के टर्म पे मैं बता पाऊंगा कि पी वेव और एस वेव में कहाँ पे वो वेलोसिटी गड़बड़ जाती है। कहीं लिखी है मैंने डेंसिटी, ये तो लिखा है कि कितना टेम्परेचर रहता है, कितने किलोमीटर होता है। मैंने लेयर में डिस्कंटिन्यूटीज भी दिखाई है, मैंने किलोमीटर भी दिखाए हैं। ये कुछ लग रहा है पी वेव एस वेव का फिगर, ये देखिए बना हुआ है वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड पर डेप्थ। पी वेव को अगर हम अर्थ के नीचे से यहां से चलता हुआ माने, यहां से, तो पी वेव जब चलती है प्राइमरी वेव तो कोर 6000 किलोमीटर की डेप्थ पे उनकी वेलोसिटी करीब 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। इनर कोर से आउटर कोर आते आते तक डेंसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है, नहीं सॉलिड है, घट जाती है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो ना इनर कोर से आउटर कोर, तो डेंसिटी घटने से वेलोसिटी भी घट जाती है, 11 से 8 हो गई। फिर जो आउटर कोर और मेंटल के बीच में डिस्कंटिन्यूटी है, कोर और मेंटल के बीच में आई थिंक मोरोविसिस की गटनबर्ग कि डी लेयर पे मैं लिख देता हूँ गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है, गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे आके डी लेयर पे आके गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है कोर और मेंटल के बीच में, इस डिस्कंटिन्यूटी पे आके अचानक से डेंसिटी का फिर से इंक्रीमेंट होगा। भाई ये लिक्विड थी फिर से सॉलिड बन जाएगा ये मेंटल, तो इधर डेंसिटी फिर से बढ़ेगी तो फिर से वेलोसिटी 14 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आ गई, और फिर जब क्रस्ट की तरफ आ रहे हो तो डेंसिटी घट रही है तो फिर से वेलोसिटी भी घट रही है, 6 किलोमीटर तक चली गई। तो ये सेम पैटर्न जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव है, एस वेव क्या होती है, वो स्ट्रिंग में जैसे आप झटका दे दो तो वो जो ट्रांसवर्स वेव है जैसे लाइट की तरह वैसे चलने वाली वेव है, ये सिर्फ सॉलिड में चलेंगे, लिक्विड में नहीं चलेंगे। देखिए इनर कोर सॉलिड है वहां पे है, आउटर कोर लिक्विड है वहां पे नहीं है। एस वेव जो है वो कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड, दैट्स वाई आप देखो उनको आउटर कोर में उनकी कोई वेलोसिटी नहीं दिखाई गई है, फिर से मेंटल में आ गई है और फिर घटनी भी लगी है पी वेव की तरह। तो सारा पैटर्न पी वेव की तरह, बस बीच में जीरो कर दिया गया है। एस वेव जो है कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड क्योंकि वो ट्रांसवर्स है। पी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल है ठीक, पर यहाँ पे मोहरो विशेष डिस्कंटिन्यूटी में भी थोड़ा सा हुआ तो है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी पे थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत स्लाइट, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है। और कहीं कुछ दिया उस बारे में मैंने कुछ दिया तो है, लिखा पी वेव एस वेव के बारे में, कहीं से यहाँ सोर्स से पी वेव एस वेव पैदा हुई चल रही हैं, उनको वेलोसिटीज में चेंज फील हो रहा है, पी वेव ऐसे साउंड की तरह दिखाई है, एस वेव ऐसे लाइट की तरह दिखाई है, और ये भी लिखा हुआ है कि पी वेव एस वेव में कैसे चेंज हो रहा है, पी वेव ऑलमोस्ट इक्वल एट क्रस्ट। ठीक, पी वेव एस वेव रैले वेव लव वेव, पी वेव एस वेव बॉडी वेव्स हैं, रैले वेव लव वेव्स सरफेस वेव्स हैं।
ये जो स्प्रिंग टाइप होगी वो आई थिंक एस पी होगी, ये जो ऐसे जा रही होगी वो पी वी एम होगी, ईपी सेंटर आपकी सरफेस पे होता है, सरफेस पे रैले वेव लव वेव होती है, लव तो क्या नहीं होता, पूरी बिल्डिंग टेसनेस हो जाती तो क्या लव। तो फिर से आते हैं अर्थ की एवरेज डेंसिटी क्रस्ट की कितनी है, तो ये तो भाई मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय गटनबर्ग, नहीं, क्रस्ट मेंटल से सेपरेटेड मोहो से, देर इज सडन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ प्रीवेस अलोंग द मेंटल कोर बाउंड्री, कोर से मेंटल पे आने पे लिक्विड से आप सॉलिड पे जाओगे तो पी वेव की वेलोसिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा, इनर कोर ऑफ अर्थ मॉडर्न स्टेट, ना इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर मॉडर्न स्टेट में है, तो चौथा गलत है। अर्थ इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री कंसेंट्रिक लेयर, कोर मेंटल एंड क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल एंड कोर, ट्रांजिशन जोन है जिनको डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं, इनर कोर जो है वो अकॉर्डिंग टू सिस्मोलॉजिकल स्टडीज एक सॉलिड बॉल है रेडियस की 1260 किलोमीटर की, जो कि करीब मून की रेडियस का 70% है, मोहो डिसकंटिन्यूटी बाउंड्री है अर्थ के क्रस्ट और मेंटल की, और अर्थ के क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोरियालिस थ्योरी, इट अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन। देखिए अर्थ में जो जैसे ग्लोबल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन है, वो ग्लोबल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन एयर के जो पैटर्न्स हैं विंड का, वो कोरियालिस फोर्स से अफेक्ट होता है। अर्थ एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते रहती है, तो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में जब वो विंड चलना स्टार्ट करती है तो इन कोरियालिस फोर्सेस से डिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मेरे हिसाब से वो एंटी क्लॉक डिस्टर्ब होती है, सदर्न में क्लॉक होती है, शायद देख लेता हूँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर। ग्लोबल एयर सर्कुलेशन मॉडल, ये क्या है, तो जेट स्ट्रीम्स हैं, पोलर पोलर हेडली वो कहाँ है, वेस्टर्ली ईस्टर्ली, जेट स्ट्रीम, एयर मासेस, फ्रंटोजेंसिस, लोकल विंड्स, क्लाइमेटोलॉजी, आई थिंक खा गया हूं मैं क्या, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, खा गया मैं, खा गया भैया। तो आई थिंक कोरियालिस फोर्स का इंपैक्ट विंड पे कैसा पड़ता है, एयर सर्कुलेशन पे कैसा पड़ता है। जी देखिए, इक्वेटर एक लो प्रेशर पॉइंट है, तो विंड यहां पे आती है 30 डिग्री हाई प्रेशर से, इधर भी आएगी इधर भी आएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी आएगी, कैप्रिकॉन से भी आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब आएगी तो वो इधर ईस्ट से आती है, इसलिए इसको ईस्टर्ली बोलते हैं। अभी जो ईस्टर्लीज आ रही हैं, तो देखो आप ये ऐसे सीधे भी आ सकती थी, लेकिन ये ऐसे चल रही हैं, ये क्या है पैटर्न, क्लॉकवाइज है, तो मैं सही बोल रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज है, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज है, यही पैटर्न है, इसी की मैं बात कर रहा था, और मैं इसको अभी स्टोर करने जा रहा हूं, और मैं ये बात लिखने जा रहा हूं, साफ साफ लिखने जा रहा हूं कि जब 30 डिग्री हाई प्रेशर पॉइंट से 0 डिग्री इक्वेटर लो प्रेशर पे विंड चलती है, तो वो नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमी स्फीयर में क्लॉकवाइज चलती है,
क्लॉक वाइज डिफ्लेक्ट होती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और सदर्न हेमी स्फीयर में एंटी क्लॉक डिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो भैया ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है। अच्छा फिर 30 डिग्री हाई प्रेशर पॉइंट है तो 60 डिग्री फिर से लो प्रेशर पॉइंट है, तो 30 से 60 भी जाती है विंड्स। मतलब ये जो 30 डिग्री है ये विंड का एक तरीके से सोर्स है यहाँ से ग्लोबल एयर सर्कुलेशन में जहाँ डेजर्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ से फिर 60 डिग्री की तरफ जाती है। अब ये वेस्ट से आती है तो इनको वेस्टर्लीज बोल देते हैं, फिर वही होगा। ये देखिए वही क्लॉक वाइज पैटर्न है, ये क्लॉक वाइज पैटर्न है, ये अभी भी वही इधर सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक पैटर्न है, ये देखिए एंटी क्लॉक पैटर्न है। बाकी पोल्स जो होंगे 0, 30, 60, 90, जीरो कहाँ गया, ये लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, पोल्स फिर से हाई प्रेशर पॉइंट बनेंगे, फिर से इनसे जब बाहर भागेगी विंड। तो ये ग्लोबल एयर सर्कुलेशन मॉडल है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली ईस्टर्ली ईस्टर्ली वेस्टर्ली ईस्टर्ली ईस्टर्ली वेस्टर्ली पोलर ईस्टर्ली, ये ग्लोबल एयर सर्कुलेशन मॉडल है, ग्लोबल एयर सर्कुलेशन मॉडल। समझ में आएगा। देखो लिखा अर्थ के रोटेशन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द राइट राइट लेफ्ट से, कैसे समझ में आएगा, क्लॉक एंटी क्लॉक बताओ भाई। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज अगर यूं जाना चाहे, जैसे यूं को जाना चाहे, वो यूं जाना चाहती है, तो एक्चुअल पाथ इंटेंडेड पाथ और एक्चुअल पाथ में डिफ्लेक्शन होता है। ये देखिए क्लॉक वाइज चल रही है, ये एंटी क्लॉक चल रही है, ये अच्छी चीज है। क्लॉक और एंटी क्लॉक को कैसे हम दिखा सकते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हॉर्स लेटिट्यूड, पोलर फ्रंट, पोलर सेल, हेडली फेरल पोलर, ईस्टर्ली वेस्टर्ली ईस्टर्ली 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 वेस्टर्ली वेस्टर्ली ईस्टर्ली। यहाँ पे जो डोल्ड्रम्स हैं, इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स हैं, यहाँ पे वार्म एयर राइज करती है, लो प्रेशर पॉइंट है भाई, गर्मी पड़ती है इसमें, यहाँ पे सीधे धूप ओशन से सब, तो यहाँ पे गर्म हवा जो होगी वो कम डेंसिटी की राइज करेगी, लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे एयर राइज होती है, तो वो जो राइज एयर है कहीं ना कहीं जाके डिसेंड भी तो करेगी, तो वो 30 डिग्री के हॉर्स लेटिट्यूड जहाँ डेजर्ट है वहां पे डिसेंड करती है, फिर उठेगी कहाँ से, उठेगी 60 डिग्री से भी उठेगी, फिर यहाँ पे 60 डिग्री पे वार्म एयर राइज करेगी, पोल्स पे जाके डिसेंड करेगी, कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। तो जो बेसिक कहानी है कि इक्वेटर से डोल्ड्रम से वार्म एयर राइज करती है और 30 डिग्री पे आके वो डिसेंड करती है, हाई प्रेशर पे आके डिसेंड करती है। अच्छा लखनऊ का अगर मुझे तुम कोऑर्डिनेट बताओ तो कैसा रहेगा, मैं जानना चाहता हूँ लखनऊ पे क्या, भाई इक्वेटर के पास तो नहीं है, 30 डिग्री के आसपास है, तो यहाँ पे एयर डिसेंड ही करती होगी, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए लखनऊ के, मेयर का नाम नहीं जानना से उगता भाटिया, कोऑर्डिनेट्स बताओ भैया लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स। ये रहे कोऑर्डिनेट्स, 26 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ, इक्वेटर से 26 डिग्री, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तब आएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे यानी कि लखनऊ पे एयर
लखनऊ हॉर्स लेटिट्यूड के पास है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता ही है और यहाँ पे एयर डिसेंड करती है, नीचे आती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना वो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोरालिस इफेक्ट। नहीं हुआ अभी। पहला, इट अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, ग्लोबल एयर सर्कुलेशन, लेकिन हमें तो वो बताना जो इनकरेक्ट है। इट इज एन इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ, ये भी बिल्कुल सही है। इट बिकम्स कोरालिस फोर्स मिनिमम एट द पोस्ट। देखिए कोरालिस फोर्स का फॉर्मूला होता है एमबी स्क्वायर बाई आर या एमआर ओमेगा स्क्वायर। एमआर ओमेगा स्क्वायर में यहाँ रेडियस होती है, पोल्स की रेडियस है ही नहीं कुछ, क्योंकि पोल से ही तो रेडियस देखते हैं। तो सेंटर से जो लाइन जा रही है नॉर्थ पोल साउथ पोल से एक्सिस अर्थ की, वहीं से देखते हैं, वहां पे तो पोल की डिस्टेंस जीरो है, तो पोल्स पे तो मिनिमम लगेगा लगेगा, और मैक्सिमम एट द इक्वेटर, ये बिल्कुल सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय विंड स्पीड, मास ऑफ द मूविंग बॉडी एंड साइन ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा, बॉडी के मास पे भी डिपेंड करेगा, विंड स्पीड पे भी कर सकता है। सी, ट्रॉपिकल एरियाज गेट मोर इंसुलेशन देन थ्री टेम्परेट एरियाज ड्यू टू डाइवर्जेंस इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। काहे का आंसर दे रखा है इन्होंने 128 में, आई थिंक कुछ गड़बड़ है। 128 का आंसर गड़बड़ है, क्योंकि इसके आप देखिए आंसर के एक्सप्रेशन में ट्रॉपिकल एरियाज गेट मोर इंसुलेशन, ये तो सोलर इंसुलेशन की बात करने लगे। थ्री टेम्परेट एरियाज ड्यू टू डिफरेंस इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये क्या है भाई? हम तो बात कर रहे थे कोरियोलिस फोर्स की, विंड डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, ये अर्थ के रोटेशन मोशन से आता है, ये पोल्स पे मिनिमम इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, और ये विंड स्पीड पे तो इफेक्ट नहीं करता, मास ऑफ द मूविंग बॉडी और साइन ऑफ लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, तो डी होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर। चलिए और करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। एवरेज डेंसिटी ऑफ रॉक्स इन द लोअर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज 3। देखिए अर्थ की क्रस्ट की डेंसिटी अभी की थी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 3 बोल दे तो ये भी सही है। एवरेज डेंसिटी ऑफ रॉक इन द लोअर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज 3, ठीक है। देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ सेस्मिक वेव थ्रू द लोअर क्रस्ट। क्रस्ट में लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में जाएं तो वेलोसिटी सेस्मिक वेव्स की घटती है, अभी तो देखा था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं वेव्स की वेलोसिटी का, यही है, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। क्रस्ट, ये क्रस्ट में मुझे तो नहीं दिख रही है यार कोई वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वेलोसिटी, लोअर क्रस्ट में ऐसा नहीं है। मेंटल कोर बाउंड्री इज मार्क बाय मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल होता है ना, कोर और मेंटल के बीच में तो गटनबर्ग होती है, गलत है थॉट। आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज इन मोल्टन फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ सही है, फर्स्ट सही है, 104 वाला ऑप्शन डी है सही है। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सेल विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अंडरलाइंग मेंटल। क्रस्ट इज कंपोज ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट विच हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। सही बात है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल होता है, ओशियनिक क्रस्ट सीमा होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, वेव्स की वेलोसिटी भी डिफरेंट है। बाकी तो गड़बड़ लग रहे हैं। पैलियोजोइक, मीसोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, सीनोजोइक में इपोक, एरा के भीतर इपोक बताने, ये तो इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि आपको इपोक बताने हैं, इपोक बताने, क्या बताने हैं आपको, एरा के भीतर इपोक बताने हैं। चलो भाई देखते चलेंगे, बताते चलेंगे, एरा के भीतर इपोक, यही एक तरीका है। एराज बड़ी बड़ी है, पहलो मीसोस सेनोजोई, इपोक के छोटे वाले हैं, छोटे तो इतने भी छोटे नहीं है, बड़े जो क्रिटेशियस जुरासिक ट्रायसिक हैं ये सब इपोक्स हैं, और एराज ही हैं पहलो मीसोस सेनोजोई। पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। पैलियोजोइक एरा के भीतर कौन सा एपोक है? तो पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन है, आर्डोविसियन है, सुलूरियन है, मिसिसिपियन है, पेंसिल्वानियन है, परमियन है, तो जुरासिक तो नहीं है, आर्चियन भी नहीं है, ओलिगोसीन भी नहीं है, सुलूरियन है,
तो पैलियोजिक को मिला दो सिल्यूरियन से। अब आते हैं मीसोजोइक, मीसोजोइक में तीन है, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशस। जुरासिक जो एरा है वो मीसोजोइक एरा है। प्री कैम्ब्रियन, पी क्रेम्बियन तो कोई मिल नहीं रहा है कैम्ब्रियन से पहले। प्री कैम्बियन ये होगा प्रोटोजोइक या आर्चियन एरा। आर्चियन है प्री कैम्बियन। हाँ आर्चियन है, आर्चियन को प्री कैम्बियन कर देंगे। सेनोजोइक में, सेनोजोइक में ओलिगोसीन। हाँ जितने सीन है, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लाइस्टोसीन, होलोसीन, ये सब सेनोजोइक हैं। सीन वाले सब जैसे ओलिगोसीन, ये सब सेनोजोइक हैं। तो मिला लेते हैं भाई, पैलियोजोइक ए, इसमें आएगा आपका सिलूरियन ए का 4, यानी कि बीओडी में से एक है। मीसोजोइक में आएगा आपका जुरासिक, यानी कि बी का 1, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1 है बीओडी दोनों में। सी पे देखते हैं, पी कैम्ब्रियन आर्चियन 2, यानी कि बी, और सीनोजोइक 3, सीनोजोइक लिगोसीन। हाँ सही, बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। पहले जो एक सिलूरियन इज द जियोलॉजिकल पीरियड एंड सिस्टम 24 मिलियन ईयर्स एगो, एज विद द जियोलॉजिकल द रॉक बेड्स दैट डिफाइन द पीरियड स्टार्ट इन एंड वेल आइडेंटिफाइड। मीसोजोइक जुरासिक पीरियड है जहां पे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, मीसोजोइक। तीन पैड में है, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेसियस। मीसोजोइक मतलब मिडिल एनिमल एंड सम टाइम्स कॉल्ड द एज ऑफ रेप्टाइल्स। पी कैम्बियन आर्चियन इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ अर्थ हिस्ट्री, इज सेट बिफोर द करेंट योन। पी कैम्ब्रियन इज सुपर योन दैट इज सब डिवाइडेड इनटू 3, हेडियन, आर्कियन, प्रोटो प्रोटोरोजोइक। सेनोजोइक ओलिगोसीन है, करंट जियोलॉजिकल एरा है, 66 मिलियन ईयर से वो चला है, और बिफोर इट वाज मीसोजोइक, ड्यूरिंग द सेनोजोइक द कंटिनेंट्स मूव्ड इनटू देयर प्रेजेंट पोजीशन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इट इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो देखिए एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, एल्युमिनियम तो अर्थ की क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट है, अभी किया था। ऑक्सीजन और एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, इट एग्जिस्ट इन स्टेबल कॉम्बिनेशन विद अदर मटेरियल, सिलिकेट एंड ऑक्साइड। तो आयरन और एल्युमिनियम में ही होना चाहिए था। इट हैज हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, यार आयरन की तरफ इशारा कर रहा हूँ लेकिन ये एल्युमिनियम बोल रहे हैं। लो डेंसिटी, लो वेट, हाई स्ट्रेंथ, मेलिबिलिटी, एक्सलेंट कोरोजन, कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की बहुत अच्छी है। एल्युमिनियम इज वेरी क्लोज टू, वेरी इजी टू रिसाइकिल भी है। तो ये बता रहे हैं हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, आयरन का वेट भी ज्यादा है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। चलो एल्युमिनियम मान लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मूवमेंट ऑफ द इंटीरियर प्लेट्स ऑफ द अर्थ कॉजेस चेंज इन सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी वजह से अर्थ की सरफेस में चेंज होता है। सी वेव्स कम अंडर एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक, सडन मूवमेंट्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ कॉज अर्थक्वेक्स, बिल्कुल सही, सारे सही, सारे सही। सडन मूवमेंट जो होता है अर्थ के इंटीरियर में वो अर्थक्वेक करता है। मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सियाल, सीमा, नीफे, फॉसिल्स। फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स हैं, तो डी का तो 1 होना चाहिए, डी का तो 1 पहले ऑप्शन में है और किसी में है भी नहीं।
सियाल जो है वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, तो ए का 3 होना चाहिए। सीमा जो है वो अर्थ क्रस्ट और कोर के बीच की लेयर है, मेंटल वाली। नीफे इनर मोस्ट लेयर है। फॉसिल डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो रॉक्स में ट्रैप्ड हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अर्थक्वेक्स आर करेक्ट? द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही है। अर्थक्वेक का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, लेकिन वो अर्थ की सरफेस वाला ओरिजिन है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेज विच आर अफेक्टेड अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड होमोसिस्मल लाइंस। एपिसेंट्रम इज द पॉइंट ऑन अर्थ सर्फेस दैट इट इज डायरेक्टली अबाउट द हाइपोसेंटर वेर द अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट। अर्थक्वेक्स एपिसेंटर पर ओरिजिनेट नहीं होते, हाइपोसेंटर पर ओरिजिनेट होते हैं। वो हाइपोसेंटर से एपिसेंटर तक पहुंचते हैं। होमोसेस्मल लाइंस जो होती हैं वो पॉइंट जहां पे सेस्मिक वेव्स इक्वल अर्थक्वेक जनरेट करें, सेम टाइम पे अर्थक्वेक जनरेट करें, उनको मिला दें। अर्थ की सरफेस रिसीव करती है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 12 नून। अच्छा, बट मैक्सिमम टेम्परेचर नेवर सकस एट 12 नून। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? भाई रेडिएशन मिलने से क्या होता है? रेडिएशन के साथ साथ वो जो है हीट में चेंज भी तो होनी चाहिए। तो लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट रिक्वायर्ड सम टाइम। भाई अर्थ की जो ग्राउंड है उसको इस हीट के इंसुलेशन को एब्जॉर्ब भी तो करे। पहला स्टेटमेंट सही। उसे लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सीड्स द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन एट 4 PM, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम सोलर रेडिएशन कंटिन्यू टू एक्सीड द एनर्जी लॉस्ट बाय आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस अप टू 4 PM। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इंटू हीट रिक्वायर सम टाइम। एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम सोलर रेडिएशन कंटिन्यू टू एक्सीड द एनर्जी लॉस्ट बाय आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सर्फेस फ्रॉम 4 PM। तो जो अर्थ की रिसीव ज्यादा होती है 4 बजे तक और लॉस कम होती है, तो क्या होता है कि रिसीविंग 12 से 4 तक लगातार बढ़ती रहती है, तो टेम्परेचर भी 12 से 4 तक लगातार बढ़ सकता है, ये कहने का मतलब है। 1 एंड 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन प्लांट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज? एयर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर यूरेनस। मरकरी, फिर मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स लेकिन छोटा है, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस ही ऑर्डर है। उस ऑर्डर में खाली मार्स का गवा है। मार्स छोटा पड़ जाता है अर्थ से दूर होने के बावजूद, मार्स छोटा पड़ जाता है और कुछ नहीं। मार्स तो वीनस से भी छोटा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मरकरी सबसे छोटा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एज पेरिहेलियन, 3 जनवरी, ये बिल्कुल सही है। अर्थ इज फारेस्ट फ्रॉम द सन एज पेरिहेलियन, गलत है। अर्थ इज फारेस्ट फ्रॉम द एपोहेलियन, 4 जुलाई, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ड्यू टू विच द विंड इन सदर्न हेमिस्फेयर इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट? ये है भैया कोरियालिस इफेक्ट, डी, अर्थ के रोटेशन की वजह से। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ अर्थ रिफ्लेक्स विंड टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टू द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। हाँ, अर्थ का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, नॉट विंड्स का। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो द लिस्ट। देखो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। 138 वाले में अर्थ एंटी क्लॉकवाइज किसने देखी? नॉर्थ स्टार ने देखी, नॉर्थ पोल से। अर्थ को नॉर्थ स्टार एंटी क्लॉक देख रहा है, उल्टा बोलो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की हर चीज ऊपर को क्लॉक जाते हुए देख रही है, क्लॉक रिलेटिव मोमेंट, इसलिए क्लॉक दिखाई दे रहा है। नीचे वाले का इसीलिए एंटी क्लॉक है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। प्लाइस्टोसीन, पैलियोसीन, परमियन, कैंब्रियन। अब तो कुछ कुछ पता चल रहा है मुझे। ह्यूमन जो हैं
वो सबसे लास्ट वाले पीरियड में आए, सबसे लास्ट वाला होलियोसीन और प्लास्टोसीन है। प्लास्टोसीन में ह्यूमन जीनस आ गए थे, पैलियोसीन में फ्रॉक्स आ गए थे। मिलाते हैं, पैलियोसीन में फ्रॉक्स, पैलियोसीन में फ्रॉक्स। बिग एक्सटेंशन के बाद फ्रॉक्स आना स्टार्ट हुए थे पैलियोसीन में। परमियन में मैमल्स आए थे, परमियन में मैमल्स। नहीं, ये गड़बड़ लग रहा है। परमियन में मैमल्स, कैम्ब्रियन में इनवर्टिब्रेट्स आए थे। कैम्ब्रियन में इनवर्टिब्रेट्स वो हैं जो वर्टिब्रा जिनमें नहीं होता, जो अपनी मेरुदंड पीठ के बल पे खड़े नहीं हो सकते, उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट कॉन्स्टेंट इन द अर्थ क्रस्ट? तो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, ये हाईएस्ट है, फिर एल्युमिनियम आयरन भी तो होंगे भैया, खा गए, कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम आ गए, ऑक्सीजन सिलिकॉन कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम। भाई जोड़ दें तो इनको 100 बन जाएंगे, 47, 48, 47, 2 4 50, 28, 78 नहीं बनेंगे, 78 3 81, 81 84 85। ऑक्सीजन सिलिकॉन कैल्शियम। मैच द फॉलोइंग ऑक्सीजन सिलिकॉन, सेलेस्टियल बॉडी रोमन गॉड, इस टाइप क्वेश्चन रोमन एनडीए में ही हो सकते हैं। मरकरी, प्लूटो, मार्स, नेपच्यून। मार्स तो गॉड ऑफ वॉर होना चाहिए, मरकरी गॉड ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, प्लूटो गॉड ऑफ सी, अंडरवर्ल्ड एंड डेथ होना चाहिए, और नेपच्यून गॉड ऑफ सी होना चाहिए। नेपच्यून गॉड ऑफ सी, पाताल लोक। नेपच्यून पाताल लोक, वैसे सी को बोलोगे समुद्र लोक हुआ वो, तो पाताल लोक तो अंडरवर्ल्ड एंड डेथ। प्लूटो है, प्लूटो है जो पाताल लोक का है, अंडरवर्ल्ड का। नेपच्यून समुद्र का है। मार्स तो युद्ध का देवता है, वॉर। मरकरी है कॉमर्स, स्किल, बुद्धि, लक्वेंस, स्पीच। आई नो, हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे लाइट डज द इक्वेटर एक्सपीरियंस ऑन सितंबर इक्विनोक्स? ये तो बहुत क्वेश्चन है। अरे बाबा, अरे बाबा, आई थिंक 200 क्वेश्चन है, चल करते रहते हैं। कहाँ पे थे? अच्छा, हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे लाइट डज द इक्वेटर एक्सपीरियंस ऑन सितंबर इक्विनॉक्स? कितने घंटे की डे लाइट इक्वेटर एक्सपीरियंस करता है ऑन सितंबर इक्विनॉक्स? कितने घंटे की डे लाइट इक्वेटर एक्सपीरियंस करता है सितंबर इक्विनॉक्स पे? इक्वेटर तो पूरा सन के सामने ही रहता है। इक्विनॉक्स वो होता है इक्वल इक्वल, सोलस्टिस वो होते हैं जब सन ओवरहेड होता है, इक्विनॉक्स वो होता है जब बराबर होता है। तो अगर सितंबर इक्विनॉक्स हो चाहे मार्च इक्विनॉक्स हो, इक्विनॉक्स है जहाँ डे एंड नाइट इक्वल हैं, तो 12 घंटे आपका डे होगा, 12 घंटे नाइट होगी। तो हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे लाइट सितंबर इक्विनॉक्स पे मिलेगा इक्वेटर को? तो 12 आवर्स मिलेगा, और क्या मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। और AKU कुछ पता नहीं कितने किलोमीटर लिखा है इन्होंने, बट मैं इसको अगर ज्यादा अच्छा है इसको देख ही लेता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन यू कितने किलोमीटर है? 10^11 किलोमीटर होता है मेरे हिसाब से।
लिखा है 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखा है, 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बनेगा, हाँ सही तो है, यही बोल रहा था कि अर्थ की सन से डिस्टेंस 1.5 × 10^11 है, मैं सही बोल रहा था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो ऑर्डर है वो 10^11 है, तो 1.5 × 10^11 पार्सेक होता है शायद, लाइट ईयर ये सब बड़े होते हैं यूनिट, स्ट्रॉन्ग तो छोटा होता है 10^-10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकल पोजिशन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ऐसा अर्थ में कौन सा पॉइंट है जो 0 लैटिट्यूड भी है 0 लॉन्गिट्यूड भी है। देखो ऐसा होने के लिए उसको इक्वेटर पे लाई करना पड़ेगा, कैसा होने के लिए, 0 डिग्री लैटिट्यूड होने के लिए उसको इक्वेटर पे लाई करना पड़ेगा, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होने के लिए उसको ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि लंदन के नीचे से जाना पड़ेगा। 0 0 परफेक्ट 0 0 जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लंदन यानी यूरोप के नीचे से उधर इक्वेटर वाली लाइन जहां पे दोनों बाइसेक्ट करें। ये मेरे हिसाब से ये कहीं अफ्रीका, अफ्रीका में पॉइंट आना चाहिए, पक्की बात है अफ्रीका में आएगा, ओशंस में नहीं आएगा। 0 लेटिट्यूड और 0 लॉन्गिट्यूड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, 0 लेटिट्यूड 0 लॉन्गिट्यूड, अरे मैंने बोला था अफ्रीका के आसपास आएगा लेकिन अफ्रीका से थोड़ा सा मिस कर गया भाई, ये अफ्रीका से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और एक ओशंस पढ़ने अटलांटिक, अब नॉर्थ साउथ क्या बोल रहे हैं, अटलांटिक है साउथ अमेन प्रिंसिपे के पास पास, 0 लेटिट्यूड 0 लॉन्गिट्यूड डिफरेंस लाइन के लिए बिल्कुल सही है, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर आके अफ्रीका के नीचे इधर आके मिलते हैं साउथ अमेन प्रिंसिपे के पास। ये तो यार बहुत बढ़िया पॉइंट मिला है मुझको, इसको तो स्टोर करना ही पड़ेगा, 0 लेटिट्यूड 0 लॉन्गिट्यूड कहाँ आके मिलते हैं, अफ्रीका में गैस कर रहा था, मिले कहाँ, अफ्रीका के नीचे मिले, कौन से ओशन में मिले, अटलांटिक ओशन में मिले भाई, अटलांटिक कौन सा अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक, भाई देखने से अफ्रीका के पास लग रहा है तो साउथ अटलांटिक होगा, इक्वेटर के नीचे तो है नहीं तो साउथ क्यों बोल रहा है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ होता है, ये तो बिल्कुल इक्वेटर पे ही है, क्या बोले आंसर बताओ। चार ऑप्शन है, साउथ अटलांटिक, मेडिटेरेनियन, घाना, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इंग्लैंड, तो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है इज द मीन सोलर टाइम एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंदन, रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये तो सही है लेकिन लैटिट्यूड क्या है, एवरी प्लेस ऑन द अर्थ इज मेजर टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम द लाइन प्राइम मेरिडियन रन्स थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। यार ये एनडीए का क्वेश्चन उन्होंने गबर दे दिया है यार, वो मुझे समझ में आता है कि ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से देखते हैं, लेकिन 0 डिग्री लेटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो है ना लंदन में, 0 डिग्री लेटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अफ्रीका के नीचे, घाना के भी नीचे, साउथ अटलांटिक ओशन में, ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया, 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, 0 डिग्री लेटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये आपका अफ्रीका के नीचे अटलांटिक ओशन पे पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, द इक्वेटोरियल रीजन बल्ज आउटवर्ड्स बाई अबाउट 21 किलोमीटर कंपेयर टू पोल्स, ये बिल्कुल सही है, अर्थ इक्वेटर पे फैली हुई है पोल्स पे चपटी है 20-21 किलोमीटर का गैप, अर्थ स्लो रोटेशन रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अराउंड द इक्वेटर, ये भी बात सही है, अर्थ के घूमने की वजह से इक्वेटर पे ग्रेविटी थोड़ी सी घट जाती है, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये मतलब बहुत करेक्ट है, और ये करेक्ट रीजन, ये करेक्ट रीजन, करेक्ट रीजन तो नहीं है यार ये अर्थ इक्वेटर पे बल्ज आउट है, अर्थ के रोटेशन की वजह से तो ना बल्ज आउट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर यार स्टार्स का ग्रुप है, कंस्टलेशन है, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर को अल्सा मेजर बोलते हैं यार, सप्तऋषि को बोलते हैं क्या,
सा मेजर कंस्टेलेशन लाइज इन द नॉर्दर्न स्काई? इट नेम मीन्स द ग्रेट बियर, द लार्जर बियर. इन लैटिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन कंस्टेलेशन इन द स्काई. ग्रेट बियर, अर्सा मेजर, सप्तऋषि इसी को बोलते हैं क्या? सप्तऋषि मंडल, तारों का समूह. जी हाँ, अच्छा बियर बन जाता है, ग्रेट बियर है. कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से बियर कैसे बना लिया इन्होंने? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल मेरिडियंस रन इन टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ और साउथ पे उनको जोड़ने वाली. मेरिडियन को इक्वेटर से राइट एंगल पे होना चाहिए. 0 डिग्री एक मेरिडियन है, एक ग्रीनविच तो सामने 180 डिग्री मेरिडियन है. पोजिशन ऑफ ए पॉइंट अलोंग द मेरिडियन इज गिवन बाई लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड होता है यार वो तो, लैटिट्यूड. मेरिडियन इज परपेंडिकुलर टू ऑल सर्कल्स, ईच मेरिडियन इज परपेंडिकुलर टू ऑल सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड. ऑल मेरिडियंस रन इन टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मेरिडियन इज स्पेस फादेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड कन्वर्ज टू कॉमन पॉइंट एट पोल्स. देखो पहला स्टेटमेंट सही है, मेरिडियंस टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते हैं. मेरिडियंस किसको बोलते हैं? मेरिडियन वो जो वाटरमेलन को कट करने वाले जो प्लेन्स होते हैं उनको बोलते हैं मेरिडियंस. अर्थ प्राइम मेरिडियन. ये है मेरिडियंस. देखो सारे के सारे मेरिडियन नॉर्थ साउथ पे मिल रहे हैं आके. तो पहला, ऑल मेरिडियंस रन इन टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सही है. मेरिडियंस आर स्पेस्ड फादर्स अपार्ट ऑफ इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर पे दूर हो गए हैं. और कन्वर्ज टू कॉमन पॉइंट एट पोल्स, ये भी बिल्कुल सही है. ऑल मेरिडियंस आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अदर, कहाँ पैरेलल है भाई ये, सी गलत है. एंड इनडिफिनिट नंबर ऑफ मेरिडियंस में भी ड्रॉन ऑन ए ग्लोब, बिल्कुल कर सकते हैं, जितने चाहो उतने ऐसे बना लो. तो सी सही नहीं है, बाकी सारे सही है. लाइंस नहीं होते, कर्व्स होते हैं. Which one of the following is an object with such a strong gravitational field that even light cannot escape? Black hole. किसको नहीं पता होगा? John Wheeler ने coin किया था ये term. John Wheeler. इनके बारे में जान ले नहीं तो भूल जाएंगे. John Wheeler. है लीगो से भी इनका लेना देना है. जॉन व्हीलर फिजिसिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म ब्लैक होल. ये एस्टीन के साथ घूमते रहते थे. चलो अगला करते हैं. वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन, बिल्कुल सही है. वीनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम सन इन अवर सोलर सिस्टम, मर्करी वीनस, बिल्कुल सही है. इफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट और ए मेजर क्लाइमेटिक चेंज मेक्स एन ओल्ड स्ट्रीम यंग, इट्स कॉल्ड रेजुविनेशन. अगर अर्थ की क्रस्ट की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से एक ओल्ड स्ट्रीम फिर से, जैसे सरस्वती रिवर है, फिर से अर्थ की क्रस्ट में कुछ मूवमेंट हो, फिर से वो रिजुविनेट हो जाए. अर्थक्वेक एपिसेंटर, एपिसेंटर अर्थ के सरफेस पे होता है. पॉइंट वेयर सेस्मोग्राफ इज लोकेटेड. पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर मूवमेंट इज अलोंग द फॉल्ट अकर्स.
Approximate center of a group of related earthquakes. Point on the surface directly above where the rupture along the fault zone occurs. Epicenter is the point on the surface where then earthquake explosion originates. D. Point on the surface directly above where the rupture along the fault zone occurs. Point on the surface directly above the where rupture occurs. Seismograph located nahi. Point where the earth where the movement along the fault occurs. Wo to niche hypocenter pe hota hai. Approximate center nahi. Point on the surface. D.